कोरोना संकट में पटरी से उतर गई अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार ने 2,65,000 करोड़ रुपए का एक और राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है ताकि नए रोजगार का सृजन हो सके। इसमें कॉर्पोरेट से लेकर किसान तक, रियल एस्टेट से लेकर परेशान सेक्टर तक सबको राहत देने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि आज का पैकेज कुल 2,65,080 करोड़ रुपए का है। अब तक सरकार कुल 4 बार 29,87,641 करोड़ रुपए का पैकेज दे चुकी है। ये जीडीपी का करीब 15% है। इसमें सरकार का खर्च जीडीपी का 9% है और बाकी रिजर्व बैंक का है। इसका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े और पीएफ का फायदा उठाएं। ऐसे कर्मचारी जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे और उनकी तनख्वाह 15,000 से कम है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। जो लोग अगस्त से सितंबर तक नौकरी में नहीं थे लेकिन उसके बाद पीएफ से जुड़े हैं उन्हें भी इस लाभ का फायदा मिलेगा। ये योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। सरकार 2 साल तक 1,000 तक की संख्या वाले कर्मचारियों वाले संस्थानों को नई भर्ती वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ का पूरा 24% हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी। ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ। 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में नए कर्मचारी के 12% पीएफ योगदान के लिए सरकार 2 साल तक सब्सिडी भी देगी। इसमें लगभग 95% संस्थान आ जाएंगे और करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने 3,00,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की डेट बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ECLGS स्कीम के तहत 61 लाख लोगों ने फायदा उठाया है। अब नई स्कीम जो है वो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई है। इसमें भी संगठित क्षेत्र में रोजगार देने के लिए उसमें बल दिया जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी भविष्य निधि के साथ जुड़ें और नए रोजगार उत्पन्न हो सकें, उस दिशा में ये कदम उठाए गए हैं ताकि COVID-19 से जो वापसी हम कर रहे हैं लॉकडाउन से अनलॉकिंग के फेज में और इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ और जॉब क्रिएशन हो और रोजगार मिल सकें, उस दिशा में स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें किसको लाभ मिलेगा? इसमें उन लोगों को लाभ मिलेगा जो या तो पहले ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं थे, कर्मचारी भविष्य निधि में रजिस्टर्ड नहीं थे। अगर वो रजिस्टर्ड होते हैं नई संस्थाओं में, 15,000 से कम उनकी अगर तनख्वाह होती है प्रतिमा, तो वो इसके अंतर्गत लिए जाएंगे। या जिन्होंने पहली मार्च से लेकर 30 सितंबर के बीच में नौकरी जिनकी चली गई होगी और 1 अक्टूबर के बाद उनको वापस रोजगार मिला होगा और ईपीएफओ में उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो उनको ही लाभ मिलेगा। इसमें स्पष्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि आगे की जो स्लाइड्स आएंगी उसमें आपको और विस्तार में पता चलेगा कैसे हम देश में संगठित क्षेत्र में और ज़्यादा रोजगार लाने की बात कर रहे हैं और असंगठित को भी संगठित क्षेत्र में लाने की बात कर रहे हैं। इससे कर्मचारी और रोजगार देने वालों दोनों को ही बल मिलने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा कि कामत समिति की सिफारिश के आधार पर 26 परेशान सेक्टर की पहचान की गई है। इनके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। इन सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 शुरू की जाएगी जिसका फायदा एमएसएमई सेक्टर को भी मिलेगा। इसमें 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक के कर्ज धारक कंपनियों को 1 साल तक का मोरेटोरियम दिया जाएगा। ये योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। पीएम शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे कुल 30 लाख मकानों को फायदा होगा। ये बजट में घोषित 8,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त होगा। इसमें 78 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निर्माण और बुनियादी ढांचा सेक्टर की कंपनियों को अब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में 5-10% की जगह सिर्फ 3% रकम देनी होगी। ये राहत अगले साल 31 सितंबर 2021 तक मिलेगी। पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था, इसका इस्तेमाल मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकता है। तो वहीं किसानों को उर्वरक सब्सिडी देने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए दिया जाएगा। कोविड टीके पर रिसर्च के लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये बायोटेक्नोलॉजी विभाग को मिलेगा। ये कोविड टीके के लिए नहीं बल्कि उसके बारे में रिसर्च के लिए होगा। कोविड टीके का खर्च अलग से होगा। सरकार NIIF के डेट प्लेटफॉर्म में 6,000 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में निवेश करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने ये संकेत दिया है कि तीसरी तिमाही में ही इकॉनमी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकती है। मूडीज ने भी भारत की रेटिंग में सुधार किया है।
पहले हमारी रेटिंग जहां 9.6 नेगेटिव थी, अब इसे घटाकर 8.9 नेगेटिव कर दिया गया है। इसी तरह 2022 के अनुमान को 8.1% से बढ़ाकर 8.6% कर दिया गया है। ये संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है।